Hello students, how are you? Welcome back Mehta School Digital Classes. Cell biology चालू कर रखी थी, cell organ हम study कर रहे थे और हमने चार कोशिकांग पढ़ लिए थे, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, अंतःप्रद्रव्य जालिका और गोल्जी बॉडी। आज की जो क्लास है वो भी सेल ऑर्गन की है, लेकिन वो कितने नंबर का सेल ऑर्गन है? 5 नंबर का, लाइसोसोम। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? लाइसोसोम। और लाइसोसोम क्या है? एक प्रकार का सेल ऑर्गन है, कोशिका का अंग है। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं डिस्कवरी की। डिस्कवरी की बात करें तो 1955 में एक साइंटिस्ट जिसका नाम था डी ड्यूबे, अब ऐसे ही नाम लेंगे, हमारे तरह नाम तो है नहीं, डी ड्यूबे, 1955 में डी ड्यूबे ने यकृत कोशिकाओं में, यानी कि जो लीवर सेल्स होती है, यकृत कोशिकाओं में सबसे पहले देखा या सबसे पहले जिसको ढूंढा, किसको? लाइसोसोम को। और वो मैंने पहले भी बता दिया था, पहले एक दिन चार्ट जब सेल बायोलॉजी हमने पढ़ी थी, जब सेल ऑर्गन पढ़ रहे थे, कि लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। एकल झिल्ली युक्त गोलाकार, गोलाकार बोल सकते हो या थैलेनुमा, थैले की तरह, थैलेनुमा कोशिकांग है। लाइसोसोम बिल्कुल ऐसे थैले की तरह होता है, इसकी कोई स्पेशल शेप इसकी होती नहीं है, या तो बिल्कुल राउंड शेप में मिलेगा, ये बिल्कुल थैले की तरह मिलेगा, जैसे कोई बैग आता है ना, बैग टाइप का होता है। और इसके चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है वो एक ही होती है, डबल लेयर नहीं होती है, एक ही झिल्ली होती है। अब जो लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम के चारों तरफ झिल्ली तो कितनी है? एक ही है। लाइसोसोम के अंदर, लाइसोसोम के अंदर पाचनकारी एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम के अंदर पाचनकारी क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। पाचनकारी एंजाइम का मतलब है कि ये एंजाइम जिसके ऊपर गिर गए ना, उसी चीज का क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है, मतलब वो चीज नष्ट हो जाती है, पाचन कर जाती है उस चीज का, पाचन हो जाता है उस चीज का। तो पाचनकारी एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे मान लो ये लाइसोसोम है, राउंड शेप बना देता हूं, ये लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम के अंदर जो लिक्विड भरा पड़ा है, चारों तरफ एक ही झिल्ली बनानी है, तो लाइसोसोम के चारों तरफ, सॉरी, लाइसोसोम के अंदर ये जो लिक्विड भरा है ना, लिक्विड, ये लिक्विड क्या है? ये लिक्विड है पाचनकारी, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो अपगठनकारी एंजाइम। अपगठनकारी एंजाइम मतलब जिसके ऊपर गिरते हैं ना, उसी को ही तोड़ देते हैं, उसी का ही पाचन, उसी का ही अपगठन, या उसी का ही डाइजेशन कर देते हैं। बहुत ज्यादा डेंजरस एंजाइम है ये, जिसके ऊपर गिरेंगे उसी को ही गला देंगे। लाइसोसोम के अंदर ये क्या भरा हुआ है? ये है रिडक्टाइज एंजाइम, अपगठनकारी एंजाइम। अपघटन, अब देखो, अब इसके अंदर जो अपघटनकारी एंजाइम है उनके नाम क्या है? जैसे प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज, लाइपेज, राइबोन्यूक्लिएज, राइबो न्यूक्लिएज, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोज, देखो वापस आओ, सन 1955 में डी ड्यूबे ने लीवर सेल के अंदर इसको डिस्कवर किया। चारों तरफ एक ही झिल्ली पाई जाती है, गोलाकार थैलेनुमा कोशिकांग है। और इस थैलेनुमा संरचना में, ये इस गोलाकार संरचना में जो लिक्विड होता है वो अपघटनकारी या पाचनकारी एंजाइम होता है। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज, कार्बोहाइड्रेट नहीं, कार्बोहाइड्रेज एज लग रहा है लास्ट में, लाइपेज, राइबोन्यूक्लिएज और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज। अब ये जो एंजाइम है ना, ये जिसके ऊपर गिर गया ना, उससे कहीं पाचन हो जाता है,
कैसे पाचन होता है वो तो कार्य में पता लग जाएगा। ध्यान देना, सामान्यतः लाइसोसोम वैसे तो स्ट्रक्चर के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें इतना पढ़ना नहीं, हमें सिर्फ दो ही पढ़ना है। लाइसोसोम दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के? दो, एक प्राथमिक लाइसोसोम और एक द्वितीयक लाइसोसोम। प्राथमिक लाइसोसोम और एक कौन सा है? द्वितीयक लाइसोसोम। एक प्राइमरी लाइसोसोम है और एक सेकेंडरी लाइसोसोम है। अब ध्यान देना, ये जो प्राथमिक लाइसोसोम है ना, प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण तो कौन करता है? ईआर एवं गोल्जी बॉडी, यानी कि गोल्जी का। प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण तो कौन कर रहा है? अंतःप्रद्रव्यजालिका और गोल्जी का। और द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण करती है कोशिका झिल्ली। कैसे वो भी मैं बता दूं एक बार। जैसे मान लो एक कोशिका का डायग्राम बनाऊ मैं, ये कोशिका है, ये क्या है? कोशिका है, ये केंद्रक। अब ये मान लो ये कोई ठोस पदार्थ है और ये आवश्यक ठोस पदार्थ है जिसको कोशिका अंदर लेने वाली है। तो ये कोशिका झिल्ली क्या करती है? कोशिका झिल्ली ऐसे वलित होकर इसको अंदर खींच लेती है। ये अंदर आ गया और जब अंदर आएगा तो ये वाली स्ट्रक्चर बन गई ना, ऐसे बन गई ऐसे स्ट्रक्चर। जब ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा ना तो कोशिका झिल्ली क्या ऐसे टूट जाती है। ये टूट गई तो कोशिका झिल्ली तो अपने आप को जोड़ लेगी, लेकिन ये स्ट्रक्चर अलग ही बन गई है। ये जो स्ट्रक्चर अलग ही बनी ना, ये इसको बोला जाएगा फैगोसोम। इसको क्या बोला जाएगा? फैगोसोम। मैं क्या समझा रहा हूं समझना, कोई भी ठोस पदार्थ है जो कोशिका को चाहिए तो कोशिका झिल्ली क्या करती है? उसको अंदर ले लेती है। और कोशिका झिल्ली जिस क्रिया द्वारा उसको अंदर लेती है ना, उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडो अंतर्ग्रहण बोल दो, या एंडो या अंतस्राव या सॉरी अंतर्ग्रहण ही बोलते हैं उसको। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस के द्वारा कोशिका उसको अंदर ले लेती है, सॉरी कोशिका झिल्ली। तो वो अंदर आके एक अलग ही स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको क्या बोलते हैं? फैगोसोम। और ये जो फैगोसोम है ना, ये फैगोसोम ये प्राथमिक लाइसोसोम के साथ जुड़ जाता है। मान लो ये अंदर लाइसोसोम पड़े हैं तो ये इसके साथ आके अटैच हो गया ऐसे। ये प्राथमिक लाइसोसोम, ये फैगोसोम इसके साथ, ये भी प्राथमिक इसके साथ अटैच हो गया ना, तो अब ये बन गया द्वितीयक लाइसोसोम। अभी क्या बन गया? द्वितीयक लाइसोसोम। तो प्राथमिक लाइसोसोम ईआर बनाती है, गोल्जी बॉडी बनाती है। द्वितीयक लाइसोसोम को बनाने वाली कौन है? प्लाज्मा कला या कोशिका झिल्ली। कैसे बनाती है वो मैंने समझा दिया। द्वितीयक लाइसोसोम को फैगोसोम भी कहा जाता है। आगे बात समझ में ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं लाइसोसोम के कार्य, ठीक है, काम देखते हैं लाइसोसोम के। लाइसोसोम के कार्य, पहला काम बाह्य पदार्थों का पाचन करता है। बाह्य पदार्थों का, एक बार मैं काम लिख देता हूं सारे फिर समझाता हूं। बाह्य पदार्थों का पाचन, आंतरिक पदार्थों का भी क्या करता है? पाचन का कार्य करता है। तीसरा, कोशिका भी भाजन में हेल्प करता है। कोशिका भी भाजन में सहायता करता है। नंबर चार, गुणसूत्रों को अलग करता है। नंबर पांच, निषेचन के समय अंडाणु की झिल्ली को
अंडाणु की झिल्ली को तोड़ता है या गला देता है। फाइनली लास्ट पॉइंट है, कोशिका के अंदर आंतरिक कचरे को या आंतरिक अपशिष्ट को पाचित करता है या आंतरिक अपशिष्ट को नष्ट करता है। अब देखो ये इतने कार्य हैं किसके, लाइसोसोम का, ये तो सही से ही काम है। देखो बाह्य पदार्थों का पाचन करता है, कैसे, ये कोशिका और ये केंद्रक, ये मान लो इसमें ये लाइसोसोम पड़े, ये क्या है, लाइसोसोम पड़े हैं, होता है एक भी लाइसोसोम हो सकता है कोशिका में, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब मान लो कोशिका के बाहर कोई पदार्थ है, मत पाचन की, पाचन कौन से पदार्थों का होता है, उपयोगी पदार्थों का। कोशिका के बाहर जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या फिर फैट है, तो कोशिका इसको अंदर ले लेगी, कौन सी विधि से अंदर लेगी, अंतर या एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस इस मेथड से ये पदार्थ कहां पर आ जाते हैं, अंदर। मान लो यहां पर वसा आ गई, ये कार्बोहाइड्रेट आ गया, तो अब ये लाइसोसोम क्या करता है, जैसे ये पदार्थ अंदर आते हैं ना, तो लाइसोसोम क्या करते हैं, अपने अंदर से वो पाचनकारी एंजाइम इनके ऊपर छोड़ देते हैं, पाचनकारी एंजाइम इनके ऊपर छोड़ देते हैं। अब ये पदार्थ क्या हो जाते हैं, गल जाते हैं ये पदार्थ, समझ आ रही बात, जो उपयोगी जो ठोस पदार्थ है वो कोशिका के अंदर आ गए, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा। जैसे ये पदार्थ अंदर आएंगे तो लाइसोसोम क्या करेगा, अपने अंदर से पाचनकारी एंजाइम निकालेगा और इनके ऊपर छोड़ देगा। अब इनके ऊपर छोड़ेगा तो ये तो गल जाएंगे, गलने के बाद इनमें से क्या निकलेगी, ऊर्जा, मतलब इनका पाचन हो गया और इस ऊर्जा को इस कोशिका द्रव में छोड़ दिया जाता है, इस ऊर्जा को कोशिका द्रव में छोड़ दिया जाता है, वहां से इस एनर्जी को माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का क्या होता है, शक्तिग्रह। तो ये तो बात समझ में आ गई होगी कि बाहर से आने वाले पाचक, सॉरी बाहर से आने वाले जो पोषक तत्व है, जो पोषक पदार्थ है, उनका पाचन लाइसोसोम के द्वारा होता है, समझ गए। तो ये बाह्य पदार्थ है, इसके अलावा कुछ आंतरिक पदार्थ भी होते हैं, कुछ आंतरिक पदार्थ भी होते हैं, उनका पाचन भी लाइसोसोम इसी तरीके से करता है और पचाने के बाद जो एनर्जी निकलती है उनको कोशिका द्रव में छोड़ दिया जाता है। दो पॉइंट क्लियर। अब देखो कोशिका विभाजन में हेल्प करता है, अभी कोशिका विभाजन में हेल्प कैसे करता है, कोशिका विभाजन में से हमारे आगे टॉपिक आएगा, ये एक कोशिका है, एक कोशिका से दो कोशिका बनना, इसे क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन। अब ये कैसे बनी, ये एक कोशिका से दो कैसे हुई, इस चीज में हेल्प कर रहा है कौन, लाइसोसोम। अब ये आगे का टॉपिक है, वहां समझ में आएगा। गुणधर्मों को अलग करता है, ये भी कोशिका विभाजन से अलग है, कोशिका विभाजन अलग अलग होता है, समसूत्री अर्धसूत्री, तो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र अलग होते हैं, तो वहां पर गुणसूत्रों को जो सेपरेट कर रहा है या उनको अलग कर रहा है, डिसोसिएट कर रहा है, वो कौन कर रहा है, लाइसोसोम कर रहा है, कौन कर रहा है, लाइसोसोम। तो वहां से सीख लो, कोशिका विभाजन वाले टॉपिक से समझ में आ जाएगा। पांचवा पॉइंट देखो, निषेचन के समय अंडाणु की झिल्ली को तोड़ता है, गला देता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो कैसे, जैसे मान लो ये है अंडाणु, ये क्या है, अंडाणु, और अंडाणु कहां पर होता है, मादा के अंडाशय में, जो मादा होती है ना महिला, उनके अंडाशय में, उनके अंडाशय द्वारा क्या छोड़े जाते हैं, अंडाणु, और अंडाणु एक प्रकार का मादा युग्मक है, अंडाणु एक प्रकार का क्या है, मादा युग्मक। अब इधर से पुरुष के द्वारा क्या छोड़े जाते हैं, शुक्राणु, ये शुक्राणु है, अभी शुक्राणु इससे जाके अटैच होगा, शुक्राणु से जाके अटैच होगा, मान लो शुक्राणु ले लो, शुक्राणु अटैच हो गया, शुक्राणु के आगे वाली सतह ये एक्रोसोम है, गोल्जी बॉडी की बनी होती है, ये नुकीली इसको तोड़ेगी, इसके अलावा इसके अंदर ये शुक्राणु पूरी कोशिका ही तो है, शुक्राणु क्या होता है, नर युग्मक, नर युग्मक। तो इसके अंदर जो लाइसोसोम है वो लाइसोसोम क्या करता है, यहां पर कुछ पाचनकारी अपघटनकारी एंजाइम छोड़ता है,
जिससे ये अंडाशय की झिल्ली क्या हो जाती है, गल जाती है, और ये अंडाणु की झिल्ली गल जाती है, ये अंडाणु का केंद्रक, ये शुक्राणु का केंद्रक, दोनों जाके मिल जाते हैं, और दोनों जब मिल जाते हैं तो समझ लो निषेचन हो गया, तो युग्मकोश से क्या बन जाएगा, युग्मदेश बन जाएगा। ऐसे निषेचन के समय अंडाणु की झिल्ली को तोड़ता है या गला देता है, और जब निषेचन पर रहेंगे ना तब और भी बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। लास्ट है, कोशिका के अंदर या आंतरिक अपशिष्ट को नष्ट करता है। कोशिका के अंदर मान लो बहुत सारा कचरा हो गया, या मान लो कोशिका का कोई अंग टूट गया, कोशिका की कोई अंग की झिल्ली टूट गई, तो वो तो कोशिका में कचरा फैल गया ना, तो उस कचरे को लाइसोसोम क्या करता है, अपने अंदर से एंजाइम निकालेगा, उस कचरे के ऊपर छोड़ देगा, जिससे वो कचरा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और उस कचरे को बहिर्त्याग या एक्सोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा कोशिका झिल्ली क्या कर देती है, बाहर कर देती है। ये तो हो गए लाइसोसोम के कार्य। अब लाइसोसोम के लिए एक इंपॉर्टेंट बात और बतानी है मुझे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, वो हम नोट डाल के पढ़ेंगे। और वो बात क्या है, बात ये है कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। देखो आत्मघाती थैली इसलिए कहा जाता है, ये कोशिका, ये केंद्रक, और ये है लाइसोसोम, ये तो क्या है कोशिका, ये क्या है लाइसोसोम। तो जब कोशिका विभाजन का टाइम आता है ना, जब कोशिका एक से कितनी होने वाली होती है, दो, मान लो इस कोशिका से कितनी कोशिका बनने वाली है, दो, तो जब कोशिका विभाजन आता है तो कई बार क्या हो जाता है, कोशिका विभाजन केंद्र की तरफ से चलता है ऐसे ऐसे, तो ये कोशिका दो में बंटने वाली होती है, तो कई बार क्या होता है जब कोशिका दो होती रहती है उस समय ये लाइसोसोम की झिल्ली फट जाती है। जब कोशिका विभाजन का टाइम आता है तो कई बार क्या होता है, विपरीत परिस्थितियों में ये लाइसोसोम की झिल्ली क्या हो जाती है, फट जाती है। जब लाइसोसोम की झिल्ली फटेगी तो ये सारा एंजाइम कहां पर आ जाएगा, बाहर, और ये पाचक एंजाइम जिस किसी के ऊपर गिर गया वही खत्म। मान लो ये लाइसोसोम की जो अपघटनकारी एंजाइम है ये अगर पूरी कोशिका में फैल गए तो पूरी कोशिका ही क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। मतलब लाइसोसोम के अपघटनकारी एंजाइमों ने अपनी ही कोशिका को या अपने ही घर को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। इसीलिए तो लाइसोसोम को कोशिका की क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग, क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपनी ही कोशिका को या अपने ही आसपास के अंगों को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। इसके अलावा लाइसोसोम के और भी नाम है, इसको कोशिका का कचरा निपटान तंत्र भी कहते हैं, ये मैंने बता दिया, क्योंकि कोशिका का कचरा साफ करता है, कोशिका के अंदर अगर किसी भी प्रकार से कोई कचरा फैल जाए, अपशिष्ट फैल जाए, या कोशिका के अंगों से कोई अपशिष्ट फैल जाए, तो उस कचरे को साफ कौन करता है, लाइसोसोम करता है, इसीलिए इसको कचरा निपटान तंत्र भी कहा जाता है। ये लो हो गया, ये लाइसोसोम की टोटल डिटेल हमने पढ़ ली। तो कोशिका के हमने कितने अंगों की स्टडी कर ली, सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, लवक पढ़ लिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका पढ़ ली, गोलजिकाएं पढ़ लिया, और ये पांच नंबर पर आज क्या पढ़ लिया, लाइसोसोम पढ़ लिया। पांच पढ़ लिए, दो चार ऑर्गन और है, बस चैप्टर दो तीन लेक्चर में खत्म हो जाएगा। एक तो रिक्तिका बच रही है, एक राइबोसोम बच रहा है, रिक्तिका और राइबोसोम, और एक लास्ट का पॉइंट है केंद्रक, उसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। तो आज की क्लास तो इसी लाइसोसोम के लेक्चर के साथ एंड करते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा राइबोसोम और रिक्तिका को लेकर। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।